के लिए हमारे कानून फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हुई है, इस हवाले से जरा बताइएगा। ये बहुत ही मुबारकबाद का लम्हा है पूरी कौम के लिए। मुल्क की सियासत में एक खुशगवार हवा का झोंका है और मैं समझता हूँ कि मुल्क में जारी जो पॉलिटिकल बेसकुनी है, इमरान खान साहब का बाहर आना उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है कदम होगा। ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और हर चीज के लिए बहुत बेहतरी की बात बनेगा। आज का ये दिन, आज का ये लम्हा जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशी का लम्हा है। और अगर इस केस में जमानत नहीं थी तो वो खबर होती, क्योंकि ये केस झूठा है, लगव है और इमरान खान साहब की जो बेल होना है वो बिल्कुल कानूनी तौर पर एक सही और मेरिट पे फैसला है। और अगर इस केस पे बेल ना होती तो वो शायद कानून को फॉलो नहीं किया जाता। मैं बहुत खुश हूँ और पूरी कौम को मुबारकबाद है। अच्छा फैसल साहब, इस केस में तो बेल हो गई है, लेकिन क्या वो अब रिहा हो जाएंगे या मजीद कुछ केसेस उन पर हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि लाहौर में कुछ केसेस हैं? देखिए, अडयाला जेल तो आखिरी केस है जिसमें वो जेर हिरासत है, इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है। तो आप ये देखना होगा कि अगर वो वहाँ पे किसी और केस में जेर हिरासत नहीं है तो फिर तो उनकी रिहाई ऑब्वियसली है। अब ये मामला जो है लीगल टीम जो है थोड़ी देर तक देख लेगी। तो यानी वो अब किसी और केस में मतलूब नहीं है? अडयाला जेल में किसी और केस में मतलूब नहीं है। अडयाला जेल में नहीं है लेकिन लाहौर में? ये लाहौर में अगर केस की कस्टडी नहीं है पुलिस के पास तो फिर तो रिहा होएंगे ना। ठीक है फैसल चौधरी साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।